हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। ये है होंडा साइन 125 का अपडेटेड E20 वाला मॉडल। सबसे पहले आप यहां प्रूफ देख लो, इसमें कोई E20 का स्टिकर लगाया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको होंडा साइन 125 में हुए चेंजेस, इसमें मिलने वाली फीचर, इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें टोटल कितने वेरियंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शन है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक की कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते। सबसे पहले बात करते हैं साइन 125 में को वेरिएंट्स कितने मिलते हैं। देखो, इसमें को दो वेरिएंट्स मिल जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये अब ड्रम वाला वेरिएंट है। इसके अलावा आपको डिस्क वाला वेरिएंट आ जाता है। अगर बात करें कलर ऑप्शन की, देखो मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। टोटल आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले ब्लैक मिलता है, ग्रे मेटालिक मिलता है, ब्लू मेटालिक मिलता है, रेड मेटालिक आता है, और मैट टेक्सस ग्रे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले आप फ्रंट का लुक देखो, यहाँ पे काफ़ी बोल्ड साइज में लुक दिया जाता है। यहाँ आपको सेंटर में हैलोजन हेल का सेटअप मिलता है। यहाँ आपको क्रोम का पार्ट यूज किया जाता है। सेंटर में आपको एक होंडा का मैचिंग लगाया गया है। विंड वाइजर ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया। यहाँ पे साइड पैनल हल्के से ग्राफ्स का यूज किया गया है, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ग्राफ्स का यूज किया गया। सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाता है। अगर बात करें मडगार्ड की, ग्लॉसी ग्रे कलर में मडगार्ड मिलता है। बाकी देखो, ये फाइबर का आता है। देखो, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। होंडा में आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी सस्ता बाइक मिल जाता है। अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, नॉन फ्लेक्सिबल है टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, हैलोजन वाला आपको टर्न इंडिकेटर दिया जाता है। तो इस बाइक का ये फ्रंट का लुक है। आप मुझे बताना कि फ्रंट से साइन 125 का लुक आपको कैसा लगता है। अगर बात करें सस्पेंशन की, देखो यहाँ को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। बाकी देखो, इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, जैसे कि मैं बताया ये ड्रम वाला वेरियंट, इसमें को डिस्क वाला ऑप्शन आ जाता है। वैसे इसमें फ्रंट में 130 mm को ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अगर आप डिस्क वाला वेरियंट लोगे तो 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। अगर बात करें इसके टायर की, MRF का ट्यूबलेट टायर मिलता है। 80x118 inch का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें एलॉयल की, ब्लैक कलर में आपको एलॉयल मिलता है। अगर बात करें तो राइड प्रोफाइल की, देखो राइड से बाइक कुछ ऐसा लगता है। लुक वाइज देखो, देखने में अच्छा लगता है। टैंक के ऊपर आपको देखो होंडा का एक 3D पैचिंग दिया गया है, होंडा का लोगो टाइप लगाया गया है। यहाँ पे आपको स्टिकरिंग जो दिख रहा है ना, ये हल्के से अपडेट हो गया है। अगर आप पहले से कंपेयर करोगे ना, पहले के मुकाबले, देखो ये पार्ट हल्का सा यहाँ चेंज किया गया। ज़्यादा आपको चेंज इसमें मिलेगा नहीं। हल्के से नए ग्राफ्स का यूज़ किया गया है, ब्लैक ग्रे सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में ग्राफ्स का यूज़ किया गया। ये पार्ट आपको हल्का सा क्रोम का पार्ट दिया गया। देखो, ये क्रोम का पार्ट देने का यूज़ क्या होता है, मतलब हल्का सा प्रीमियमनेस इसमें बढ़ जाता है, प्रीमियम दिखने लगता है। 125 की बैचिंग मिल जाती है। यहाँ आपको साइन लिखा हुआ मिलता है, स्टिकरिंग क्या है, लेकिन इसका आउटलाइन यहाँ पर ब्लैक टाइप लिखा गया, तो थोड़ा सा हल्का डिफरेंट लग रहा है। अगर बात करें सीट की, देखो सीट का लेंथ भी अच्छा है, और इसका सीट का जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में बनाया गया है। देखने का कंफर्ट लेवल की, देखो कंफर्ट लेवल भी अच्छा रहने वाला है। बाकी देखो, ये सीट दो आदमी तो आराम से बैठ ही जाते हैं, तीन भी बैठ जाते हैं, पर तीन बैठना मत लीगल नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पे ग्रेवल की, देखो सिंगल का ग्रेवल मिलता है, ये बॉडी कलर में ग्रेवल मिलता है, स्ट्रांग है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, देखो काफ़ी छोटा सा एग्जॉस्ट मिलता है साइन 125 में, काफ़ी स्लिक सा डिज़ाइन बनाया जाता है। यहाँ पे आपको ये क्रोम का पार्ट यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैं बताता हूँ, क्रोम का पार्ट यूज़ करने से थोड़ा सा प्रीमियम दिखने लगता है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, देखो क्वालिटी अच्छी है। इसके ऊपर रबड़ का ग्रिपिंग वगैरह मिल जाता है। यहाँ भी जो दिया गया है, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके ऊपर भी आपको रबड़ का ग्रिपिंग है। अगर बात करें ब्रेक लीवर की, देखो काफ़ी मोटा वाला पाइप मिलता है इसमें, काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अगला चीज़ देखो, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। देखो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का क्या फ़ायदा है, इसकी वजह से ना आपका ये बाइक स्कीड वगैरह नहीं करता है, ये अच्छा चीज़ होता है। यहाँ आपको लेग गार्ड लगाया हुआ मिलता है, इंजन आपको पूरा ब्लैकआउट मिलता है। अगला चीज़ देखो, साइन 125 से अभी भी होंडा किक को हटाया नहीं है। जनरली मैं नोटिस करता हूँ, अपने सारे स्कूटर से होंडा किक को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है, पर साइन 125 में आपको किक दे रहा है। आप बताना आपको किक अच्छा लगता है कि नहीं। अगर बात करें रियर पार्ट की, देखो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, MRF का ही टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है। 80x118 inch का आपको ट्यूबलेट टायर मिलता है। तो देखोगे ना, तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको ब्रेक सेम है, टायर प्रोफाइल वगैरह सब सेम है। अगर बात करें रियर सस्पेंशन की, देखो रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। ये 5 स्टेप में एडजस्टेबल भी है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जिसमें आपको मेन अपडेट आया है। देखो ज़्यादा अपडेट नहीं आया, बी6 फेज 2 वाला अपडेट आया है।
इंजन यहाँ पे वही 123.94 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 OBD2 E20 वाला FI इंजन मिलता है। ये BS6 फेज 2 का जो अपडेट है ना, इसको ही लोग कुछ लोग BSM भी बोलते हैं, BS6 फेज 2 भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल लो मेन अपडेट वही आया है। और उस अपडेट को देने के लिए ना ज़्यादा इंजन डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब थोड़ा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोर है आपको 50 का मिल जाता है, स्ट्रोक 63.12 का मिल जाता है। अगर बात करें पावर की, 10.6 BHP का आपको मैक्सिमम पावर मिलता है 7500 RPM पे, और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 6000 RPM पे। एक बार आप चला के देखना, ये जो आप बताता हूँ टॉर्क और पावर है, ये आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, एक बार आप चला के देखो, अच्छा है, मतलब इनफ है 125 cc के हिसाब से ना, अच्छा है। देखो इसमें आपको माइलेज अच्छा मिलता है, माइलेज मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अभी बात कर रियर पार्ट की, अगर बात कर रियर से, तो रियर से बाइक कुछ ऐसा लगता है। यहाँ देखो आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलते हैं, सेंटर में आपको एक रिफ्लेक्टर लगाया गया, नंबर प्लेट की जगह मिलता है, टर्न इंडिकेटर जैसे होता है नॉन फ्लेक्सिबल है, यहाँ आपको हैलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसके लेफ्ट के प्रोफाइल को, अगर बात करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बाइक कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आप देखो ग्राफिक्स का यूज अच्छा किया गया है, ये ग्रे कलर के ऊपर जो कॉम्बिनेशन दिया गया, आप बताना आपको कैसा लगता है। होंडा आपको 3D में लगाया हुआ मिलता है, इस साइड भी आपको क्रोम का पार्ट यूज किया गया, 125 बैचिंग मिलता है, साइन इसमें आपको स्टिकरिंग कर किया गया है। यहाँ आपको कंपनी फिट साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडीज फुटेज भी मिल जाता है, मैंने बताया इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। अगला देखिए चेन मिलता है ना, फुली कवर्ड मिलता है, यहाँ फाइबर का यूज किया गया है, फॉर फिट फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है। देखो कवर की वजह से मेंटेनेंस आपका थोड़ा कम हो जाता है, धूल डस्ट पार्टिकल कम जाते हैं, तो बार बार वॉश करके ल्यूप नहीं करना पड़ता है, तो आपका पैसा थोड़ा बच जाता है। वैसे भी देखो साइन में आप ना टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो, माइलेज आपको अच्छा मिलता रहेगा, ज़्यादा इसमें आपको सर्विसिंग खोजता नहीं है। अगला चीज देखो कुछ सेंटर स्टे मिलता है, साइड स्टे मिलता है, और साइड स्टे में इंजन कटअप सेंसर भी दिया गया है, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। यहाँ को 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, एक ग्रे गियर लीवर आपको पूरा ब्लैकआउट दिया गया है, 2 hill शिफ्टर मिलता है, इंजन आपको पूरा ब्लैकआउट बंद है, ऑलरेडी बता दिया था। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की, अगर बात करें इसके ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ यहाँ 2046 का मिल जाता है, ओवरऑल लेंथ यहाँ 737 का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट यहाँ 1160 का मिल जाता है, सीट हाइट डिसेंस है 790 का सीट हाइट है, मतलब 5.5 भी होना तो आपका बैकग्राउंड का आराम से टच कर जाने वाला है। अगर बात करें व्हील बेस की, 1285 का व्हील बेस मिलता है, कर्व वेट काफ़ी हल्का है, 123 kg का कर्व वेट है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 10.5 liter का टैंक कैपेसिटी मिलता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था E20 का स्टिकर लगाया गया है, मतलब एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो आने वाला है, देखो कभी ना कभी तो आएगा ना, आप उसमें रखवा सकते हो, और जब तक अभी नॉर्मल पेट्रोल चल रहा है आप नॉर्मल पेट्रोल इसमें रखवा सकते हो। अगर बात करें इसके मीटर काउंसिल की, देखो बेसिक से इसमें मीटर मिलता है, एनालॉग मिलता है। देखो एनालॉग देने का एक रीज़न ये है कि काफ़ी सस्ती बाइक पड़ जाती है, प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगा, और माइलेज अच्छा मिल जाता है। स्पीडोमीटर ओडोमीटर सब कुछ एनालॉग मिलता है, फ्यूल गेज वगैरह उसको एनालॉग मिलता है, टिल्ट लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी एक ही है यहाँ पे आपको, ये इसमें पास लाइट के साथ अपर बीम लोअर बीम इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है, टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है, एक हॉर्न का स्विच मिलता है, आपको इग्निशन का स्विच मिलता है, यहाँ पे इंजन कटअप का भी मिल जाता है, इसके वजह से भी अच्छा रहता है, मतलब एक ही स्विच में आपको दोनों काम हो जा रहा है। यहाँ आपको ये देखो मिरर वगैरह आपको वहीं पुराने वाला है, ज़्यादा इसमें आपको चेंज वगैरह किया नहीं है। अभी मैं इसके एग्जॉस्ट साउंड को एक बार सुना देता हूँ आपको, देखो साइन का एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की, देखो यहाँ माइलेज अच्छा मिल जाता है, अराउंड आपको 60 kmpl का मिल जाता है, कुछ लोगों को 60 के ऊपर भी मिला हुआ है और 60 के नीचे भी मिलता है। देखो ये जो अप डाउन का है ना, वो काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या बाइक को क्या स्पीड में चला रहे हो, क्या रोड का कंडीशन है, लेकिन फिर भी आपने इकोनॉमी स्पीड मेंटेन किया ना, अराउंड आपको 60 kmpl का माइलेज तो आराम से मिल जाएगा। मान के जिनके पास ये बाइक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें को माइलेज कितना मिलता है। अभी बात कर लेते हैं प्राइस की, जैसे कि मैं बता रहा था काफ़ी बजट सेगमेंट बाइक आ जाता है 125 cc में। देखो इसका ऑनर प्राइस पुणे में 1,02,000 के अराउंड आता है। देखो ये जो प्राइस है ना, मैं पुणे का बताता हूँ, तो आप किस सिटी से बिलोंग करते हो अपना सिटी का नाम कमेंट्स में बताओगे ना, तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा ओम व्हील्स होंडा तलेगांव का, कि उन्होंने बाइक मुझे प्रोवाइड किया रिव्यू करने के लिए। शोरूम के सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर विथ मैं आप लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी मेरे दोस्त पुणे से बिलोंग करते हैं, इस बाइक को लेना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा है आप वहीं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।